सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दे इक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीयां खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जानोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानिए अज दी पहली वड्डी खबर। पंजाब विच मुड़ सख्ती, अज अद्धी रात मगरों नवे दिशा निर्देश लागू। जी हाँ, दस दईए कि कोविड 19 दे वध रहे मामलियां दे मद्देनजर पंजाब सरकार वल्लों सूबे विच दाखल होण वाले सारे व्यक्तियां लई एडवाइजरी जारी कीती गई है। यह एडवाइजरी अज अद्धी रात तो लागू होवेगी। दस दईए कि एडवाइजरी विच कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जे पंजाब आ रहा है तां उस दी सूबे विच दाखल होण समें डॉक्टरी जांच कीती जाएगी। इस दे नाल ही जेहे व्यक्ति नूं पंजाब लई अपनी यात्रा शुरू करन तो पहला किसे भी ढंग तरीके राहीं खुद नूं ई रजिस्टर करना होवेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कोई वड्डा जां नाबालग जो आवाजाई दे किसे भी ढंग भाव सड़क रेल जां हवाई यात्रा जरिए पंजाब आ रहा है दी पंजाब विच दाखल होण समें डॉक्टरी जांच कीती जाएगी। सरहद ते डटे 30,000 भारतीय सैनिक, चीन दी फौज पिछे हटी। जी हां, दस दईए कि भारतीय फौज वल्लों लद्दाख विच लगभग 30,000 जवान तैनात कीते गए हन जो चीन दे नाल जारी झड़प तो बाद इत्थे तैनात कीते गए हन। पिछले महीने दोवां देशां दे सैनिकां विचाले हिंसक झड़पां तो बाद भारत ने 3 वाधू ब्रिगेड तैनात कीते हन। बेशक खबरां आ रहियां हन कि चीनी फौज पिछे हटी है, पर भारतीय सेना चौकस है। सूत्रां ने दस्सिया कि 3 वधीक ब्रिगेडां दे लगभग 10,000 सैनिकां नूं पंजाब, हिमाचल प्रदेश ते उत्तर प्रदेश तों लिआंदा गया है। LAC ते 14 कोर कमांड दे अधीन इस समय सेना दीआं 3 डिवीजनां हन। इह भारत दी सब तों वड्डी आर्मी कोर। डेढ़ रुपए प्रति किलो दे हिसाब नाल विकेगा गोहा, किसानां दी खूब कमाई। जी हां, दस दईए कि हुण पशुआं दे गोहे तो भी कमाई कीती जा सकेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार वल्लों गौधन न्याय योजना तहत पशु पालकां तो 1.5 रुपए प्रति किलो दे हिसाब नाल गोहा खरीदण दी योजना बनाई जा रही है। इह योजना हरेली त्योहार मौके 20 जुलाई तो शुरू कीती जावेगी। केंद्रीय मंत्री रविंदर चौबे दी अगवाई हेठ बनी सब कमेटी वल्लों शनिवार गोहा खरीदण दी सिफारिश कीती गई सी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जून नूं ऐलान कीता सी कि गोहे दी वरतों जैविक खाद बनाउण लई कीती जावेगी। भारत ते चीन दा गुस्सा होया शांत, अजीत डवाल दी चीनी विदेश मंत्री नाल गल्लबात मगरों नरम रुख। जी हां, दस दईए कि भारत ते चीन दी सरहद ते तनाव जारी है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डवाल ने चीनी विदेश मंत्री वेंग जी नाल गल्लबात कीती। इह गल्लबात ऐतवार नूं वीडियो कॉल राहीं होई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डवाल ते चीनी विदेश मंत्री वेंग ने सरहदी खेतरां विच हाल ही विच होए विकास ते खुल के विचार वटांदरे कीते। सूत्रां ने दस्या कि दोवां पासियां दे कोर कमांडरां दरमियान होए समझौते तहत चीनी फौजां पिछे हट गईयां हन। उन्हां कहा कि चीनी सेना नूं गश्त पॉइंट 14 ते लाए गए टेंटां ते होर ढांचियां नूं हटाउंदे वेख्या गया है। मौसम विभाग वल्लों तूफान ते बारिश दी चेतावनी। जी हां, दस दईए कि मानसून दा प्रभाव देश दे वख-वख हिस्सियां विच दिखाई दे रहा है। भारी बारिश कारण गुजरात, महाराष्ट्र ते बिहार बुरी स्थिति विच हन। इन्हां सूबियां विच कई इलाकियां विच लगातार हो रही बारिश ने हड़ वर्गे हालात पैदा कर दित्ते हन। मौसम विभाग दे अनुसार अगले समय दौरान दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहसवान, मथुरा ते अलवर विच तेज बारिश अते मीह पैण दी संभावना है। मौसम विभाग मुताबिक देश दी राजधानी दिल्ली विच अज भी मुंबई विच भारी मीह पैण दी संभावना है ते हल्की बारिश होण दी संभावना है। इस तों इलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मराठवाड़ा ते अंदरूनी कर्नाटक विच मानसून आम रहण दी संभावना है। ही
हीरो दा वड्डा आफर, स्कूटी दे 15,000 अते बाइक दे 10,000 दा भारी डिस्काउंट। जी हां, दस दईए कि सब तो वड्डी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोक्रोप भारत विच BS4 स्कूटर बाइका दे बंपर डिस्काउंट आफर दे रही है। अजिही स्थिति विच जेड़ियां कंपनियां वधेरे वस्तुआं हन ओह इक वधिया पेशकश दे रहियां हन अते ग्राहकां नूं ऑनलाइन बुक करन दी सलाह दे रहियां हन। हीरो टू व्हीलर कंपनी BS4 बाइक ते 10,000 रुपए तक दी छोट दे रही है, जबकि स्कूटर ते बंपर 15,000 रुपए दा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी मुताबिक यह छोट फिलहाल ऑनलाइन ते उपलब्ध है क्योंकि शोरूम लॉकडाउन करके बंद है। इस मामले विच लोक इंसाफ पार्टी दे विधायक बलविंदर सिंह बैंस वालों अज पुलिस नूं लिखती शिकायत दिती गई है। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं बैंस ने कहा कि भावें श्रोमणी कमेटी वालों इस मामले दी जांच लई सब कमेटी बनाई गई है, पर साडे मन विच खदशे हन जिस करके अज असीं कमिश्नर दफ्तर पुज्जे हां। उन्हां कहा कि जांच कमेटी बरगाड़ी ते कोटकपुरा विच बनी सी, पर जांच कमेटी ने सारे सबूतां नूं ही खुरद-बुरद कर दिता। हुण वी जो जांच कमेटी बनाई गई है ओह उसदा स्वागत करदा है, पर 267 सरूपां दे खुरद-बुरद होण दी कोई CCTV फुटेज जा किन्ने स्वरूप अगन भेट होए इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें कहा कि बहुत ही दुख की गल है कि इस घटना नूं 4 साल बीत चुके हैं, पर इस मामले विच जांच कमेटी वालों अजे तक कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई। कांग्रेस दा हाथ छड ढींसा धड़े विच शामिल होए संधु। जी हां, दस दईए कि 2 विधानसभा हलकियां तों लगातार 8 वार विधानसभा सीट जीतण वाले संधु परिवार दे वारस अते SS बोर्ड दे साबका चेयरमैन तेजिंदरपाल सिंह संधु अज ढींसा धड़े विच शामिल हो गए हन। पिंड कौली विखे अज सुखदेव सिंह ढींसा दी अगवाई विच उन्हां इह फैसला लिया। इस मौके सुखदेव सिंह ढींसा ने कहा कि लोक फेर बदल चाहुंदे हन, इस लई उह रवायती पार्टियां नूं छड्ड रहे हन अते साडी पार्टी 2022 विच वखरा ही वजूद बनाएगी। इत्थे इह दसणयोग है कि पार्लीमानी चोणां समेत टकसाली परिवारां दी अणदेखी कारण तेजिंदरपाल सिंह संधु ने अकाली दल नूं अलविदा आख के कांग्रेस विच शमूलियत कीती सी, पर कांग्रेस दी टकसाली परिवार प्रति अणदेखी अते झुकाव ना होण कारण इस वार तेजिंदरपाल सिंह संधु ने सुखदेव सिंह ढींसा ग्रुप विच जाण दी तैयारी खिंच लई। संधु ने ऐतवार नूं ही कांग्रेस नूं अपना इस्तीफा भेज दिता सी अते सोमवार उह ढींसा ग्रुप विच शामिल हो गए। भारत सरकार ने रेफरेंडम 2020 नूं फेल करन लई लाया पूरी टिल। जी हां, दस दईए कि भारत सरकार ने रेफरेंडम 2020 नूं नाकाम करन लई पूरी वाल ला दित्ती है। बेशक खालिस्तान पक्षी संस्था 64 जस्टिस ने रूसी पोर्टल जरिए रायशुमारी दी मुहिम विड दित्ती है, पर भारत सरकार ने इस पोर्टल नूं भी ब्लॉक कर दिता है। सरकार दी सख्ती करके भारत विचों कोई भी इस मुहिम विच हिस्सा नहीं लै सकेगा। केंद्र सरकार दीआं एजेंसियां पिछले कई दिनां तों पूरी तरह चौकस सी। पहला रेफरेंडम 2020 दे प्रबंधकां ते हमायतियां नूं अतवादियां दी सूची विच पा के मुकदमे दर्ज कीते गए। इस तों मगरों भारत सरकार ने लगभग 40 वैबसाइटां नूं ब्लॉक कर दिता। इह वैबसाइटां खालिस्तान पक्षी संस्था 64 जस्टिस वालों चलाईआं जा रहीआं हन। महंगीआं सब्जियां ने मचाई हाहाकार, 200% तक वधे रेट। जी हां, दस दईए कि कोरोना संकट दे समें विच खाण पीण दीआं चीजां वी काफी महंगीआं हो रहीआं हन। इस तरह फल सब्जियां दे रेटां विच वी जोरदार इजाफा होया है। सारीआं सब्जियां विच 25% तों 200% तक दा इजाफा होया है। जुलाई दे पहले हफ्ते दे रेट आलू 30 तों 35 रुपए, गोभी 60 तों 80 रुपए, टमाटर 60 तों 80 रुपए, प्याज 25 तों 30 रुपए, लौकी 30 रुपए, भिंडी 30 तों 40 रुपए, खीरा 50 रुपए, कद्दू 20 तों 30 रुपए, बैंगन 40 रुपए।
पटियाला विच मापियां दा जबरदस्त प्रदर्शन, यूथ अकाली दल ने दिता साथ। जी हां, दस दईए कि स्कूल फीसां नूं लै के बच्चियां दे मापियां वल्लों यूथ अकाली दल नाल मिल के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी निजी रिहायश मोती महल दे नेड़े धरना लाया गया है। यूथ अकाली दल अते मापियां दा इह धरना YPS चौंक विच लाया गया है। इस धरने की अगवाई यूथ अकाली दल के प्रधान परम बंस सिंह बंटी रोमाणा वालों की जा रही है। प्रदर्शनकारी मोती महल का घिराओ करने की कोशिश कर रहे हैं, जदों के मौके से भारी पुलिस अमला भी मौजूद है। इस मौके मापियां वालों अपने शरीर तो कपड़े उतार के स्कूल खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने की अगवाई कर रहे बंटी रोमाणा ने दोष लाया है कि कैप्टन सरकार झूठे लारे ला के मापियां नाल धोखा कर रही है। उन्होंने बच्चों दी स्कूल फीसां मुआफ करने दी मांग कीती है। बेअदबी जांच दा नतीजा 2 महीने विच नहीं आया तां लगेगा मुड़ मोर्चा, जत्थेदार मंड। जी हां, दस दईए कि मुतवाजी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड ने बेअदबी अते बहबल कला गोलीकांड मामले दी जांच दे लई पंजाब सरकार नूं 2 महीने दा अल्टीमेटम जारी कीता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्हां कहा कि जेकर सरकार दी जांच दा 2 महीनियां दे अंदर नतीजा नहीं आया तां ओह मुड़ तों बरगाड़ी विच मोर्चा लगाउणगे। इस तों पहलां मुतवाजी जत्थेदारां वल्लों 1 जून 2018 नूं मोर्चा लगाया गया सी, जदके पंजाब सरकार दे मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा अते सुखजिंदर सिंह रंधावा दे भरोसे तों बाद 9 दिसंबर 2018 नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे मुतवाजी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड ने धरना खत्म करन दा ऐलान कीता सी। बरगाड़ी दे इकट्ठ नूं संबोधन करदे होए तृप्त रजिंदर बाजवा ने कहा सी कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बरगाड़ी बेअदबी अते बहबल कला गोलीकांड दे किसे भी मुलजम नूं नहीं छड्डणगे। दोस्तों, जे तुहानूं इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।